हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका मनीषा क्विक रेसिपी एंड ब्लॉग्स के चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक टेस्टी शेपू की भाजी की रेसिपी। आप सभी के लिए मैं लेके आई हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे मार्केट से ताज़ा शेपू की जो भाजी है ना वो लेके आई है, और इसको अब मैं यहाँ पे काट के ले लूँगी। एकदम छोटे छोटे पीसेस में से काट के ले लेना है अच्छे से ना। मैंने सब पानी से भी अच्छे से वॉश करके ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने इसे पानी से अच्छे से वॉश करके ले लिया है। अब मैं यहाँ पे इसे निकाल लूँगी कुछ इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च को काट करके ले लिया है। अब मैं यहाँ पे मटकी की दाल ले रखी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे ना पानी में भिगो के डाला था, तो अच्छे से देखिए कितने अच्छे से भीग चुके हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल दूँगी इसके अंदर ये प्याज। प्याज डालने के बाद में अब मैं यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करके ले लूँगी। अच्छे से इसे मिक्स करके ले लेना है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर हरी मिर्च को भी डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब मैं यहाँ पे इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। ये बिल्कुल इसमें कंप्लीट चेंज कर देता है। अगर आप इसमें एक बार अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल कर देखोगे तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसके बाद में अब चुटकी भर आपको यहाँ पे हींग डाल देना है, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे जो शेपू की भाजी है उसे मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, अभी के लिए इतना इसका साइज़ कितना है। जब बाद में हम इसे कुक करेंगे ना, तो इसका साइज़ एकदम रिड्यूस होते जाएगा। तो इसे अच्छे से आपको इसे मिक्स करके ले लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो अच्छे से मिक्स करके मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब जो दाल मैंने भिगो के रखी थी वो मैं यहाँ पे इसके अंदर डाल दूँगी। तो काफ़ी इजी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना मेरे कहने पे। काफ़ी अच्छा रेसिपी है और हेल्दी भी है, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई करके देखना। आप चाहे तो बच्चों को लंच में भी डाल के दे सकती हैं, कुछ हेल्दी हो जाएगा खाने के लिए। या फिर अगर आप वेट लॉस वगैरह कर रहे हैं ना, तो फिर आप इसे बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर कि देख सकते हैं कि इसने कितना पानी छोड़ दिया है, जबकि हमने इसके अंदर पानी डाला ही नहीं था। अब इसे मिक्स करने के बाद में आपको ढक के रख देना है 5-10 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखिए 5-10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे लिड को, और इसे वापस से हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अच्छे से मिक्स करके मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये देखिए। तो अब मैं यहाँ पे इसके अंदर सबसे पहले स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी, और इसे वापस से हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। तो सब्जी तो बन करके रेडी हो चुकी है, लेकिन इसके साथ में खाने के लिए हमें चाहिए रोटी। तो चलिए फिर रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो रोटी का कैसे बनाना है, एक प्रॉपर वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले से अपलोड कर रखा है फ्रेंड्स। तो आप मेरे चैनल पे एक बार ज़रूर जाके विज़िट कीजिएगा। और अगर आपको इस रेसिपी से कोई भी रिलेटेड डाउट वगैरह रहता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी रिप्लाई कर दूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसके साथ खाने के लिए मैंने यहाँ पर रोटी भी बनाई है, और रोटी भी यहाँ पर देखिए कितनी अच्छे से यहाँ पर ये फूल रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रोटी है वो कितने अच्छे से फूल रही हैं। तो अच्छे से इसके ऊपर पानी लगा के ले लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए अब ऐसे करके हम बाकी सारी रोटियाँ भी बना करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी जो रोटी है ना वो फूल रही है, देखिए कहीं से भी फटी वगैरह नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग हमारा रोटी भी बन करके रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसे इस थाली को सर्व करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी शेपू की भाजी और साथ में रोटी भी बन करके हमारे रेडी हो चुकी है। इसके साथ मैंने इंजॉय करने के लिए हरी मिर्च भी ले रखी है। तो आपको बताना है मुझे कमेंट्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देन अगर कोई भी वीडियो में डाउट होता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। न्यू वीडियो के साथ हम लोग वापस से मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। Thank you.